नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, चंडीगढ़ से जो काफिला है आप देख पा रहे होंगे, जो गाड़ियों में जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जिला पार्षद हैं, वो एक एक कर यहां पर पहुंचने शुरू हो गए। इससे पहले कि जो तस्वीरें थी वो हमने आपको करनाल करण लेक से दिखाई थी, जहाँ पर किस तरीके से जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, उनका यही कहना था कि जो कुछ ही देर में रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज जिला परिषद के चेयरमैन का ताज एक पार्षद के सर पर सज जाएगा, और ऐसे में चुनाव कुछ ही देर में सामने आएंगे। और उनका ये दावा था कि जो चेयरमैन है वो बीजेपी से ही बनेंगे, और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो काफिले की गाड़ियां हैं वो यहां पर एक एक कर पहुंचने शुरू हो चुकी है। करनाल के पंचायत भवन की ये सीधी तस्वीरें मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो एक एक कर अंदर जाते हुए, आपको तमाम सदस्य हैं वो अंदर जाते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ऐसे में काफी ज्यादा इस वक्त होड़ लगी हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो तमाम जिला परिषद के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने भी अपना पुरजोर दिखाया और बीजेपी अपना पुरजोर दिखाती हुई नजर आ रही है, और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो एक एक कर अंदर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अपने आप में जिस तरीके से अगर सीएम सिटी करनाल की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, तो लगातार बीजेपी अपना दावा ठोक रही है कि जो बीजेपी के यानी कि जो जिला परिषद के चेयरमैन बनने वाले हैं वो बीजेपी से होंगे। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कुछ ही देर में जो रिजल्ट सामने आएंगे, जिला परिषद के आज चेयरमैन बनने वाले हैं करनाल में, और वो बीजेपी से होंगे नहीं होंगे वो देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन बीजेपी का जरूर कहना है, क्योंकि चंडीगढ़ से ये काफिला आया, और ऐसे में जो दो से तीन नाम सामने आ रहे हैं अलग अलग वार्ड से, चाहे वार्ड नंबर 14 की बात की जाए, वार्ड नंबर 16 की बात की जाए, बताया ये जा रहा है कि जिनके ऊपर यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा का आशीर्वाद होगा, क्योंकि बंद लिफाफे में एक नाम चंडीगढ़ से ही आया, और ऐसे में वो बंद लिफाफा जब खुलेगा तब जाकर रिजल्ट्स के बारे में जानकारी होगी कि आखिर कौन विजेता बन पाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घरोंडा से विधायक है हरविंदर कल्याण वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव है, आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पंचायती राज के चुनाव जो पिछले दिनों में संपन्न हुए हैं, उसका ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जब उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है। और मैं समझता हूँ कि एक नई टीम जो चुनकर आई है उसके अंदर से भी आज जो नई जो चुने जाएंगे तो वो भी एक टीम नई तैयार होगी जो आने वाले समय में जिला परिषद, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायती राज की संस्था है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरकार में आने के बाद बहुत सी जिम्मेवारियां जिला परिषद की तरफ और भी बढ़ाई हैं, तो ये नई टीम जो आज चुनी जाएगी निश्चित रूप से ये क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर और एक संस्था जो है वो विकास में अपना पूरा योगदान देगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नए चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन बनने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देंगे पहले ही? बिल्कुल, सभी नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज क्योंकि एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव है, क्योंकि जिला परिषद की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सशक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और बहुत सारे ऐसी जिम्मेवारियां जो जिला परिषद को भी सरकार आगे उस तरफ बढ़ा रही है, तो जो आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे मैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और पूरी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि एक परिवार की तरह मिलकर वो एक विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो आम जन के लिए सरकार योजनाएं बना रही है वो योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को मिले, पात्र लोगों को मिले, एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह मिलकर सभी। बीजेपी विधायक है हरविंदर कल्याण, जिनका कहना है कि जो एजेंडा है वो विकास का रहना चाहिए। हाँ, विकास का काम करेंगे, सारे मिल का काम। चंडीगढ़ गए थे आप? चंडीगढ़ जाए कई दिन हो गए जी। हम नहीं, कल गए थे, कल गए, काफी दिन हो गए ना, सीएम से मुलाकात करके आए हैं। मैं चंडीगढ़ नहीं गए, चंडीगढ़ नहीं गए, तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो माहौल में काफी गर्मो गर्मी देखने को मिल रही है, हर किसी की नजरें अंदर टिकी हुई हैं कि किसका नाम सामने आएगा, चाहे चेयरमैन पद को लेकर हो, वाइस चेयरमैन के पद को लेकर हो, तमाम जो सदस्य हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं एक एक कर अंदर गए हैं, लेकिन अपने आप में अपने आप
होगी कि किसका नाम सामने आएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, जो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को अंदर भेजते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से माहौल में काफी यानी गर्मी भी है, क्योंकि हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर कौन बनेंगे जिला परिषद के चेयरमैन। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन होंगे जिला परिषद के चेयरमैन। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तमाम अपडेट्स को लेकर बने रहिए IBN24 के साथ, क्योंकि हम आपको जल्द एक बड़ी जानकारी जरूर देंगे। क्योंकि जो तमाम, चाहे मैं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, देखिए कांग्रेस से विधायक है शमशेर सिंह गोगी। आपको याद होगा कि जब जिला परिषद के चुनाव सामने आए थे, तब उनका ये जरूर दावा था कि बहुमत से, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस समर्थित हैं, और ऐसे में जल्द कांग्रेस अपना जिला परिषद का चेयरमैन बनाएगी। और ऐसे में अब जो कांग्रेस से विधायक है शमशेर सिंह गोगी, वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है काफी ज्यादा, यानी कि वो भी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन बनेगा जिला परिषद के जो चेयरमैन का ताज किसके सर पर सजेगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तमाम जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर अब पहुंचे, क्योंकि एक हादसे में वो घायल हो गए थे, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि वो भी आज इस वोटिंग में शामिल हुए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन बनेगा जिला परिषद के चेयरमैन, हर कोई उसमें हिस्सा, चेयरमैन 25 कौन बनेगा, वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, किन के नाम सामने आएंगे, और उनकी भी आईडी वगैरह चेक की जा रही है, और उसके बाद उन्हें अंदर लेकर जाया जा रहा है। सचिन बुढ़नपुर है जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अपने आप में देखिए, इलेक्शंस की अगर बात की जाए, वोटिंग की अगर बात की जाए, तो हर किसी को इंतजार रहता है कि कब इलेक्शंस होंगे, और 2 साल के बाद जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, और ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि कौन बनेगा जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।